गाइस, वेलकम टू माय चैनल द होम लेडी। प्लीज़ अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन का प्रेस कर दीजिए बटन, क्योंकि आज हम बनाने जा रहे हैं एक और नई पेंटिंग, फिंगर प्रिंटिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। इसके लिए हमें चाहिए 2 लेडी फिंगर, एक बड़े साइज़ की, एक छोटे साइज़ की, और एक हेयर बड, और वाटर कलर चाहिए ग्रीन, येलो एंड ब्लू। चलिए सबसे पहले हमें क्या करना है, हम ड्रॉ कर लेंगे। तो आज हम ड्रॉ करेंगे पीकॉक। चलिए हमने पीकॉक की बॉडी ड्रॉ कर ली है। उसके बाद हम ईयरबड लेंगे और ब्लू कलर का वाटर कलर लेंगे और इसकी बॉडी को ब्लू कलर से ऐसे फिल कर देंगे। ब्लू कलर एकदम डार्क होना चाहिए ताकि अच्छे से प्रिंट आउट हो जाए। इस तरह पूरी बॉडी को आपने फिल कर लेना। चलिए इसके फैदर बनाने के लिए हम लेडी फिंगर का यूज करेंगे। ऐसे लेडी फिंगर को आप कट कर लीजिए। साइड में पूरा प्रिंट कर देंगे। आप कोई भी इमेज ड्रॉ कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आपको पीकॉक ही करना है। मुझे पीकॉक अच्छा लगा तो मैं आपको लग रहा है आप कलर ले लीजिए। अच्छी तरह इसके फैदर बनाने के लिए इसे प्रिंट करते हैं। बच्चों के लिए बहुत ही यूजफुल है। अगर आपको क्लास में कोई प्रोजेक्ट वर्क मिलता है तो आप अच्छे से कर सकते हैं। स्मॉल वाली लेनी है लेडी फिंगर, येलो कलर लेना और इसके ऊपर जस्ट आप ऐसे करना।
कलर इसके दो तीन कलर के होते हैं तो देखने में अट्रैक्टिव है। देखिए कितना अच्छा लग रहा है। इसके बाद आपने ईयरबड लेना और ब्लू कलर ले लेना और ब्लू कलर लेके वैसे ही जैसे आपने इसकी बॉडी में फिल किया था वैसे आप इसके यहाँ कर दीजिए। देखिए ऐसा लग रहा है। चलिए इसकी आईज बनाने के लिए हम व्हाइट कलर का यूज करेंगे। इसके जो ऊपर कलगी बनी होती है वो भी बनाएंगे। चलिए हमारा पिकॉक तैयार है। तो गाइस कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसको देखकर छोड़िए मत, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड बाय।